वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो राइट आंसर है गांधीनगर, ऑप्शन डी सही होगा। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन का आयोजन भारत देश द्वारा गुजरात के गांधीनगर में 15 से 22 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। और इसमें देखिए संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में ये एक तरह का पर्यावरण संधि है और इसमें भारत 1983 से इसका यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सदस्य भी रहा है। और COP इस सम्मेलन का निर्णय लेने वाला एक तरह से अंग है जो कि पर्यावरण के संबंध में कुछ विशिष्ट मुद्दों पर बात करता है, राइट। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती का दृष्टिकोण ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है ये जो पुस्तक लिखी है वो मूलचंद शर्मा ने लिखी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 फरवरी 2019 को लॉ जस्टिस एंड जुडिशियल पावर जस्टिस PN भगवती का दृष्टिकोण पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की है और इस किताब को मूलचंद शर्मा ने लिखा है। और जस्टिस भगवती की बात करें तो वो भारत में जनहित याचिका का उनको जनक कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर ये बुक लिखी गई है, राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए जो कृमि शब्द दिया गया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए कृमि का मतलब होता है परजीवी कीड़े, ठीक है, तो उनसे मुक्ति का दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 फरवरी। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 फरवरी 2019 को देश भर में 8वें राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस NDD का आयोजन किया। और ये जो दिवस है इसका उद्देश्य बच्चों की आंतों में परजीवी कीड़ों के प्रसार को कम करना है। और इस कार्यक्रम के दौरान 1 से 19 वर्ष तक की आयु के प्री स्कूल और स्कूल जाने वाले बच्चों को मौखिक रूप से एल्बेंडाजॉल की गोलियां दी गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 फरवरी। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है इसकी जो शुरुआत हुई है वो 8 फरवरी को हुई। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो 8 फरवरी 2019 को एक समर्पित एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई और गुजरात के गिर संरक्षित क्षेत्र में स्थानिक एशियाई शेर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चिन्हित की जाने वाली 21 गंभीर संकटाग्रस्त प्रजातियों में से ये एक है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध एशियाई शेर को सर्वोच्च संरक्षण स्तर भी प्रदान किया गया है, राइट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस बैंक ने डेटा साइंस इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है वो है यस बैंक। ऑप्शन बी सही होगा। तो यस बैंक को डेटा साइंस में उसके यस एंगेज एनरिच एक्सेल प्रोजेक्ट के लिए एजिस ग्राम बेल अवार्ड 2018 के 9वें संस्करण का विजेता घोषित किया गया है। और इसका ईई कार्यक्रम का उद्योग प्रथम वैश्विक की संसाधन जो कि बैंक के रिलेशनशिप के मैनेजरों को ग्राहक के जुड़ने के लिए टॉप 3 टॉकिंग पॉइंट के साथ सहायता प्रदान करता है। और एजिस ग्राम बेल अवार्ड ICT डोमेन में नवाचारों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखिए यस बैंक की बात की गई है, तो आपको बता दूं कि यस बैंक का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है और इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी, राइट। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है ये जो नए सचिव बने हैं उनका नाम है श्री शैलेश। ऑप्शन ए सही होगा।
तो श्री सैलिस ने 7 फरवरी 2019 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है और वो 1985 यानी कि 1985 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस हैं और श्री मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों की वर्तमान में मंत्री हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके नए सचिव श्री सैलिस बने हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए में मार्टिन गुप्टिल का नाम दिया गया और ऑप्शन बी में रोहित शर्मा का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के रोहित शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत के रोहित शर्मा जो कि 31 वर्षीय हैं, उन्होंने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनके इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़ दिया है जो कि ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं, जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 74 पारियों में 2272 रन बनाए हैं और वो T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भी पहले भारतीय और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। रोहित शर्मा ने वर्ष 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट में पदार्पण किया था और अब तक 15 की औसत से उन्होंने 92 मैच खेले हैं और वो T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। यहाँ पर देखिए हम बात करें कि रोहित शर्मा ने ओवरऑल कितने रन बना लिए हैं, तो उन्होंने 2288 रन बनाए हैं और इसके साथ वो शीर्ष पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर मार्टिन गुप्टिल हो गए जिनके 2272 रन है। तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर इसमें शोएब मलिक हैं जो कि 2263 रनों पर हैं और चौथे नंबर पर भारत के विराट कोहली हैं जो कि 2167 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक रन जो बना लिए हैं वो रोहित शर्मा ने बनाए हैं जो कि भारत के हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सहायक कोच कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकी पोंटिंग, ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अनुसार पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग जो कि 44 वर्षीय हैं, उनको इंग्लैंड में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है और पोंटिंग 30 मई से 14 जुलाई तक होने वाली टूर्नामेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के साथ परिश्रम करेंगे। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान बल्लेबाजी कोच ग्रीम हिक इंग्लैंड जो कि अगस्त में आयोजित होने वाली एशेज दौरे के लिए टीम को तैयार कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए विशेष रूप से रिकी पोंटिंग को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात की गई तो आपको इसकी राजधानी एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो इसकी राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 सन 1880 के बाद चौथा सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। तो किस संस्था की ये रिपोर्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा, ऑप्शन ए सही होगा। तो नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक स्वैच्छिक विश्लेषण में पाया गया है कि वर्ष 2018 में पृथ्वी की वैश्विक सतह का जो तापमान है वो 1880 के बाद चौथा सबसे गर्म रहा है और वैश्विक स्तर पर 2018 का तापमान वर्ष 2016, 17, 15 की तुलना में ओवरऑल कम है और पिछले वर्ष सम्मिलित रूप से अगर हम बात करें तो आधुनिक रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष रहा है। ठीक है, 5 वर्ष का अगर हम सम्मिलित डेटा निकालें तो सबसे गर्म वर्ष रहा है और ये पाया गया है कि वर्ष 2018 का जो वैश्विक तापमान है वो 20वीं सदी के औसत तापमान से 7.9 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, नासा की ये रिपोर्ट है तो नासा के बारे में आपको पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका गठन 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय Washington DC में है। राइट, तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 3 दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है बिहार, ऑप्शन सी सही होगा। तो हाल ही में राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बिहार के मोतिहारी में संयुक्त रूप से 3 दिवसीय कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है और ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कृषि कुंभ है और इस कृषि कुंभ का जो उद्देश्य है वो कृषि में आधुनिक तकनीकों और विविधता को बढ़ावा देना है जिससे किसानों की आय को दुगना करने में मदद प्राप्त हो सके। और मेले में लगभग 200 विभिन्न स्टॉल किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी देने के लिए उनको लगाया गया है और ये कुंभ नीति निर्माताओं, सरकार, मीडिया, उद्योगों और अन्य हितधारकों के समागम का एक केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई तो आपको पता होना चाहिए बिहार की राजधानी पटना और इस राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी जिससे झारखंड राज्य
15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। यहाँ की सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है लालजी दास टंडन। और यहाँ की लोकसभा से 40 सीटें हैं, राज्यसभा से 16 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 243 सीटें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा देश भारत को 2 मिसाइल रक्षा प्रणाली बेचेगा? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए अमेरिका ने भारत को $190 मिलियन की लागत से 2 बोइंग 777 हेड ऑफ स्टेट एयरक्राफ्ट के लिए 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को बेचने पर सहमति व्यक्त की है। इस फैसले से इसी जो फैसला था उससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विमानों की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी और ये बिक्री अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का भी समर्थन करेगी और ये अमेरिका भारत के रणनीतिक संबंध को भी मजबूत करेगा। यहाँ पर देखिए अमेरिका की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, यहाँ की मुद्रा है US डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। राइट, तो आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में तेल उद्योग द्वारा उज्ज्वला उत्सव कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 7 फरवरी, ऑप्शन बी सही होगा। तो 7 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में तेल उद्योग द्वारा उज्ज्वला उत्सव मनाया गया और उज्ज्वला उत्सव PMUY को सफल बनाने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर उत्सव के लिए मनाया गया और कैलाश खेर द्वारा रचित PMUY गान उज्ज्वला भारत उज्ज्वला को भी इसमें लॉन्च किया गया। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो लक्ष्य है वो वर्ष 2020 तक 80 मिलियन परिवारों को मुक्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नारी शक्ति, ऑप्शन डी सही होगा। और आज की क्विज का सवाल है, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील निर्माता बना है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक साथ सभी PDFs मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक जनवरी के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो इंड स्क्रीन में येलो कलर की आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।